मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सो 9th क्लास प्रीवियसली वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 एंड टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रेंड्स। न्यू चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रेंड्स। ट्राइंगल का मतलब आप समझते हैं फिगर विच कैन बी बाउंडेड बाय थ्री साइड्स नोन एज ट्राइंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में एंगल के बेस पे होते हैं और साइड के बेस पे। साइड के बेस में बात करें तो थ्री टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला स्केलेन, आइसोस्केलेस और तीसरा बेटा इक्विलेटरल। स्केलेन का मतलब इसमें ऑल साइड डिफरेंट हो, आइसोस्केलेस का मतलब इसके टू साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल का मतलब इसके ऑल साइड्स क्या हो इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है, फिर होता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो होता है एक्यूट एंगल, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एवरी एंगल 90 से लेस हो। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें वन एंगल 90 से एबव हो। और राइट एंगल, इसमें वन एंगल कितने का हो 90। इसके बाद में स्ट्रेट लाइन एंगल्स होता है, कंप्लीट एंगल्स होते हैं। कंप्लीट का मतलब 360 के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, एक लाइन पे बनता है, इसकी वैल्यू 180 होती है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, तो ये एक एंगल्स की बात है। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात, बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सुपरपोज्ड करना। जैसे ये है एथेली, एक ऐसा डायग्राम जो इसको कम्युनिटी से कवर कर ले, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जो एक दूसरे को कम्युनिटी कवर करता है दैट इज ए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जो एक दूसरे को सुपरपोज कर रहा हो दैट इज ए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सुपरपोज करना, एक दूसरे को कवर करना, वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हम कॉन्ग्रुएंसी पे बात करते हैं। ये कोई ट्राइंगल है, ये एक दूसरे को अगर कवर करते हैं तो ये क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल सिमिलर और इक्वल दोनों को उसे क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम कुछ क्राइटेरिया पे बात करते हैं। जैसे एक्शन में ये मान लो ए बी सी है, ये मान लीजिए पी क्यू, ये एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट को हम क्या देखेंगे, ये दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि इसकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है। फॉर कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेस ऑफ क्राइटेरिया के बाद इसके अलावा एक वर्ड होता है, सुनते हैं सीपीसी। अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो रिमेनिंग करस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब कोई टॉपिक होंगे, एक तो क्या होगा बेटा, एक तो होंगे एंगल, दूसरी क्या होंगे साइड। तो उनके करस्पोंडिंग पार्ट्स की बेटा कैसे होंगे, इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल इनके करस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे। अब हम क्राइटेरिया पे बात करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। देखिए सर, पहली क्राइटेरिया होती है हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया साइड एंगल, साइड एस एस जिसे बोलते हैं,
साइड सपोज कीजिए दो ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा क्या है उसका, और अगर इनकी पॉइंट मान लो साइड हो फिर एंगल हो और फिर साइड हो अगर इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होंगे कौन होंगे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने की सिक्वेंस भी आती है चीज जैसे राइट करता है मतलब अगर ए बी को टू क्या हो तो देखिए एंगल ए बी सी को टू क्या होता है एक ही बार और बी सी को टू क्यू आर तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी कॉन्वेंट को क्या बोलेंगे ये दोनों क्या होंगे ठीक है और ये अगर कॉन्वेंट है तो इसका मतलब इनके अदर करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे अब क्राइटेरिया नंबर सेकंड सेकंड होता है एंगल साइड एंगल साइड एंगल ये क्या होता है एबीसी पीक्यूआर ये दोनों एंगल इक्वल साइड इक्वल है फिर क्या जाएगा ये एंगल यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ए बी इक्वल टू पी क्यू एंगल बी इक्वल टू क्या है एंगल अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल और सिमिलर सिमिलर का मतलब जिनकी सेम सेम हो साइज डिफरेंट तो नो प्रोपोर्शन होते सिमिलर और जो सेम और साइज दोनों एक सेम हो जाए तो वो क्या बन जाता है कॉन्वेंट तो एबीसी कॉन्वेंट क्या होगा ये दूसरी क्राइटेरिया तो टोटल फाइव क्राइटेरिया पे बात करेंगे पहली है साइड एंगल साइड दूसरी क्या है एंगल साइड अब हम तीसरी पे बात करते हैं देखिए तीसरी क्राइटेरिया क्या है थर्ड क्राइटेरिया है या तो बेस या तो परपेंडिकुलर
या तो बेस इक्वल हो या तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये हमेशा किसमें लगती है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में। जैसे ये सुन, ठीक है पढ़ते हैं, सुने ध्यान दें इस पर। क्या होगा राइट एंगल, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ए सी इक्वल टू पी आर होगा और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल ए सी इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एंगल 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 सम। लास्ट क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड ट्रायंगल। अब एंगल एंगल साइड क्या होती है बेटा, समझना, ये है एंगल एंगल साइड, तो मान लो ये दो ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ये क्या पीक्यूआर, तो एंगल ए इक्वल टू पी ए, बी इक्वल टू क्यू और बी सी इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू और बी सी इक्वल टू पी आर, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या होगा। ये फाइव क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प से ये बेटा कंप्लीट होगा, कुछ थ्योरम से उस पर हम बात करें। थैंक यू सो मच।